कश्मीर में जारी तनाव के बीच शांति बहाली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह दो दिन के कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान राजनाथ वहां की स्थिति की समीक्षा करेंगे, उनके साथ गृह सचिव भी हैं। राजनाथ सिंह कश्मीर में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। इस बीच कश्मीर के कई इलाकों में ताज़ा झड़पों की खबरें आई हैं। पुलवामा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं श्रीनगर के सफा कदल इलाके में भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 10 लोगों के जख्मी होने की खबर है। राजनाथ सिंह के ठीक दौरे से पहले घाटी में बीएसएफ की 26 कंपनियों की तैनाती की गई है। वहीं आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह भी मंगलवार को घाटी पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की मौजूदा नीति में कई बदलाव दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, मैं नेहरू गेस्ट हाउस में रुकूंगा, जो कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में यकीन रखते हैं उनका स्वागत है। कश्मीर में आज कर्फ्यू का 47वां दिन है। खबर है कि डेढ़ महीने में दूसरी बार कश्मीर दौरे पर गए गृह मंत्री अलगाववादी नेताओं से भी बातचीत कर सकते हैं। अगर घाटी में आम जनजीवन को पटरी पर वापस लाना है तो सभी को आगे आना ही होगा। देखते रहिए जीबी लाइव।